के अगले दिन रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त महिला वाइन सेंटर में हूँ मैं। आपकी दुकान में चोरी हुई? कब हुई चोरी? है ये हम कैमरा में देखे 2:40 पे रात में। हाँ जी हाँ, हम सुबह 8 बजे आया। हाँ देखा तो चाबी ओपन था। किधर से घुसा लो? इधर चाबी। एक मिनट दिखाएंगे। ये दरवाजा बंद था। हाँ बंद था ये दरवाजा। बंद था इतना था। हाँ इसको ताला लगा हुआ था। थोड़े ताला तोड़ दिया। टूटा हुआ ताला कहाँ है? हम पुलिस के पास दे दिया। पुलिस डिपार्टमेंट लेके गया इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो आरी से कट किया हुआ था या किसी चीज से तोड़ा हुआ था? हथौड़ी से मार के, हथौड़ी मार के तोड़ा, फिर अंदर घुसे है ना। एक मिनट आइएगा। तो यहाँ से इधर आके पूरा ये ड्रॉवर तोड़ दिया। हाँ जी ये ड्रॉवर तोड़ा। ये ड्रॉवर को भी लॉक था? ये लॉक था। ये तोड़ा और ये तोड़ा, अरे थोड़ा इसमें पैसा था। उसमें कितना अमाउंट था आपके हिसाब से? 35,000 रुपए था। 30 से 35,000। तो 30 से 35,000 आपने इसमें रखा क्यों? वो चिल्लर था, 10 का नोट 20 का नोट हमको चिल्लर मांगता बोल लेके रखा था। अच्छा, यानी बड़े नोट आप ले गए थे, नहीं तो वो भी चले जाते। बड़ा नोट का एक 5-10 हजार रूपए था, बाकी के चिल्लर था। यानी 100-100 के नोट। हाँ 100 का एक 10 हजार रूपए था। हाँ और 20 का 50 का 10 का था। हाँ और पॉइंट था। हाँ पूरा ले लेके, पूरा निकाल के ले गए। पूरा निकाल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आ गया है ना। तो उसमें कुछ नजर आ रहा है? वो फुल टी शर्ट पाया, फुल पैकअप है, फुल पैक किया है, कैप डाला। हाँ मास्क पाया है। हाँ पूरी तैयारी से आया। तैयारी से आया। तो वो कुछ दिन पहले घूमता हुआ किसी पे शक क्या, तो किसी को देखा रेखी करते, रोज आ रहा है, यही घूम रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। यानी टोटल आपके हिसाब में 35,000 की कैश चोरी हुई है। और दूसरा कोई माल लेके गया? कुछ माल लेके गए। कैसे माल में? मतलब सिगरेट पैकेट लेके गए और जो ये शराब की बोतलें लेके गए, उसमें भी महंगे महंगे लेके गए। सस्ता वाला ले गए, महंगा पता नहीं उन्हें। सस्ता वाला लेके गए। और रात में यहाँ पे आजू बाजू में किसी ने देखा? कुछ बोला? कुछ खबर नहीं। और वो उस दुकान में भी चोरी हुई है ना? बाद में हमको पता हुआ उधर भी चोरी हुआ बोलते। उधर भी चोरी हुआ है बाद में। मेडिकल का चोरी वाला न्यूज आया हमको मेडिकल में। इस दुकान में भी चोरी हुई है ना? इस दुकान में भी मेडिकल में चोरी हुआ। हाँ उधर भी दुकान में चोरी हुआ। उधर ऊपर से तोड़ा गया बताया ना? ये एलजी जनरल स्टोर, उसमें कौन सा एलजी जनरल स्टोर में भी चोरी हुआ। उसमें ऊपर से तगड़ तोड़ के अंदर गए क्या? तो उनका भी काफी माल गया है। पता नहीं बट चोरी हुआ बोले। चोरी हुआ और सुबह आए थे वो लोग? आए थे वो दुकान के मालिक। अच्छा। और वो किराना दुकान में और मेडिकल में। चलिए उधर भी चलते हैं। आओ आप लोग भी आओ। इस सीएस कमड़ियाल किरानी स्टोर और ये मेडिकल जनरल स्टोर, आपके दुकान में कल रात में चोरी हुई तो ताला तोड़ के अंदर गया? वो सीट तोड़ के अंदर आ गया। ऊपर से सीमेंट का सीट है। सीमेंट का सीट वो तोड़ के अंदर आए। तो अंदर आके उनका काम कर ले को पीछे दरवाजे से बाहर गए। तो पीछे का दरवाजा अंदर से बंद था? अंदर से बंद करते। हाँ अभी उनको अभी अंदर आने के बाद अंदर ताली भी उधर था ना? हाँ वो खोल के बाहर गए। तो बाहर निकल गए। तो कैश लेके गए या और कुछ लेके गए? कैश लेके। कैश कितना लेके गए? देखेंगे अभी, मैं देखे नहीं। अच्छा अंदर अभी आप लोग गए नहीं? ऊपर टूटा हुआ देखे, पुलिस कंप्लेंट की है? एक दरवाजा खोले बाद में पुलिस आने के बाद, अभी डॉग स्क्वाड आता बोलने के बाद हम बंद करे दुकान। अच्छा डॉग स्क्वाड आएगा इसके लिए बंद करे। तो अभी लोगों को यहाँ भी आना नहीं चाहिए क्यों? मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो लेंगे, डॉग स्क्वाड आएगा पता लगाएगा। तो कितने का चोरी हुआ या अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मेडिकल स्टोर में भी हुआ? उनका भी हुआ। तो एक ही तगड़ से दोनों में गए क्या? वो दोनों में आए, दोनों एक ही तगड़ से अंदर निकल के दोनों काम कर ले गए। उनके जो सीसीटीवी कैमरे में जो दिख रहा है उसमें वो लोग पूरा तैयारी में आए बता रहे हैं, पूरा कपड़ा वगैरह मास्क ये वो पहचाने में नहीं। आपको किसी पे डाउट है क्या? ये घूम रहा है यहाँ लगातार घूम रहा है, किसी के ऊपर भी डाउट नहीं है? डाउट नहीं है।
तो अभी पुलिस डिपार्टमेंट आएगा, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आके गए, डॉग स्क्वाड को बुलाने की अभी तैयारी चालू है, डॉग स्क्वाड आएगा उसके बाद में पता लगेगा। लेकिन एक चीज मैं एक विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, कहाँ गए, आइए प्लीज, एक चीज है मैं इस विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि चोर कितना भी शातिर हो लेकिन कानून के हाथ से बचना नामुमकिन है। डॉग्स कार्ड आएगा, चोरी को जो अंजाम दिया है, जो चोरी किया है वो 100% पकड़ा जाएगा। डॉग्स कार्ड आएगा तब फिर एक बार हम आएंगे, उसको वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। हिम्मत रखिए, जो चोरी को घटना को अंजाम दिया है वो जरूर पकड़ा जाएगा। दांडेली का पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही समझदार है, उसे पता है कि इन चोरों को कैसा पकड़ना है। थैंक यू।